हाँ भाई, सब ठीक हो दोस्तों? आज का जो टॉपिक है अपना वो है डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग। डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग, डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग किसने दिया था? ये दिया था डॉक्टर आइवर लोवास ने। ठीक है, आइवर लोवास, डॉक्टर आइवर लोवास ने ये डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग का जो मॉडल है ये दिया था। अब बात करते हैं कि डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग होता क्या है। इसको शॉर्ट में डीटीटी भी कहते हैं, डीटीटी भी इसको कहते हैं, डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग। तो देखिए, डीटीटी क्या है? ये एक सीरीज ऑफ टीचिंग अटेम्प्ट्स। ठीक है, ये क्या है? दिस इज ए सीरीज ऑफ टीचिंग अटेम्प्ट्स एंड ईच अटेम्प्ट इज कॉल्ड डिस्क्रीट ट्रायल। ओके, और खाली ट्रायल भी बोल सकते हैं। मतलब ये एक सीरीज है जिसमें काफी सारे टीचिंग के जो हैं वो ट्रायल किए जाते हैं सिखाने के लिए। सीरीज होती है, एक के बाद एक ट्रायल किया जाता है। ठीक है, फिर अगर इसकी बात करें डेफिनेशन की, तो DTT इज ए मेथड ऑफ टीचिंग अंडर ABA इन सिंप्लीफाइड एंड स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स इंस्टेड ऑफ टीचिंग एन इंटायर स्किल इन वन गो। ठीक है, द स्किल इज ब्रोकन डाउन एंड बिल्डअप। इसका मतलब ये है कि डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग में कोई भी एक स्किल है एक साथ सिखाने की बजाय उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, सिंप्लीफाइड पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाया जाता है। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग। बेसिकली होता क्या है, बाकी इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको PDF में देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी कि कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पे यूज किया जा सकता है? तो ये कोई भी स्कूल में यूज किया जा सकता है, प्ले स्कूल हो गया या जो स्पेशल स्कूल होते हैं उनमें, कोई भी जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह, ABA थेरेपिस्ट वगैरह, कोई भी इसको यूज कर सकता है अपने सेटअप में। ठीक है, ये हो गया डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। ठीक है, अब बात करेंगे टेक्निक्स की, टेक्निक्स ऑफ DTT, टेक्निक्स। टेक्निक्स या क्या है, इसकी चार पांच टेक्निक हैं। देखिए, पहली है कि स्किल्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ब्रोकन ब्रेकिंग ब्रेकिंग स्किल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ये है। ठीक है, ये पूरा मैं नहीं लिख रहा क्योंकि पूरा लिखेंगे काफी समय लग जाएगा, इसकी आप PDF में ये नोट्स अच्छे से देख पाएंगे। पहला है, स्किल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, फिर जो हमने छोटे छोटे पार्ट किए हैं, कंपोनेंट हैं, उसको हम सिखाते हैं, टीचिंग, सभी छोटे छोटे पार्ट को मास्टरी लेवल तक सिखाते हैं। ठीक है, फिर है इंटेंसिव टीचिंग सेशन, इंटेंसिव टीचिंग सेशन। इसमें क्या करते हैं, इंटेंसिव टीचिंग सेशन में अपन बहुत गहराई से जो भी स्किल है उसको सिखाते हैं। फिर आता है अपन यूजिंग प्रॉम्प्ट्स एंड फेडिंग, प्रॉम्प्ट्स का यूज करते हैं और उसको साथ साथ फेड भी करते जाते हैं, जरूरत के अकॉर्डिंग ये करते हैं। फिर आता है कुछ रेनफोर्समेंट यूज करने की स्ट्रेटजी होती हैं, वो भी हम यूज करते हैं स्ट्रेटजी। ठीक है, ये कुछ वो थे टेक्निक्स थी जिनसे हम डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग को करते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए
बच्चे को रेड और ब्लू का कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिस्क्रीट ट्रायल 1 और 2 में हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे, दो पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें जो टीचर है वो एक मान लीजिए रेड और एक ब्लू, रेड और ब्लू जो कुछ भी मान लीजिए ये कोई डाइस है या कार्ड लगा दीजिए, कार्ड रख देती है टेबल पे सामने बच्चे के सामने और कहती है, जैसे रेड है, रेड को पॉइंट आउट करते हुए कहेगी कि रेड उठाओ, ठीक है। फिर बच्चा क्या करेगा, चाइल्ड भी क्या करेगा, उसको रिस्पोंड करेगा, रेड की तरफ करेगा इशारा, ये रेड है, ठीक है। और टीचर क्या कहेगी, वेरी गुड, जो भी मतलब प्रॉम्प्ट का यूज करेगी। फिर क्या कहेगी, एक छोटा सा गैप लेगी, उसके बाद क्या है, ऐसे ही ब्लू के साथ करेगी, ब्लू की तरफ इशारा करते हुए कहेगी पॉइंट टू द ब्लू, एंड ब्लू जब हो जाएगा फिर सेम प्रॉम्प्ट यूज करेगी, फिर इंटरवल आएगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, अभी स्टेप्स की बात अच्छे से करेंगे, ये मैंने एक रो बताया है, स्टेप्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं डीटीटी में, स्टेप्स ऑफ डीटीटी, ठीक है, स्टेप्स ऑफ डीटीटी। देखिए पहला है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट, दूसरा है प्रॉम्प्ट, तीसरा है रिस्पॉन्स, चौथा है कॉन्सिक्वेंसेस, लास्ट है इंटरवल, इंटर ट्रायल इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। ये जो स्टेप्स हैं इनके अंदर क्या क्या आता है वो एक बार देखते हैं। देखिए एंटीसीडेंट क्या होता है, जब जो टीचर है, जो पहला स्टेप होता है इसका, टीचर क्या करेगा, रेड और जो ब्लू मैंने एग्जांपल दिया था, रेड और ब्लू को रखेगा, ठीक है, और कहेगा कि रेड बताओ, या पॉइंट करेगा रेड की तरफ, वो एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्त है, ठीक है। फिर आता है प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट काफी सारे हो सकते हैं, जिनमें फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, गेस्चुरल प्रॉम्प्ट, ये इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, फिजिकल मतलब शारीरिक सहायता देना, वर्बल प्रॉम्प्ट मतलब बोल के सहायता, और गेस्चुरल मतलब इशारों से, ठीक है, ये सिंपल से हैं। इसमें सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है, इसमें कम, और इसमें इससे भी कम। तो ये है प्रॉम्प्ट के यूज, मतलब प्रॉम्प्ट का यूज करना बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। फिर आता है रिस्पॉन्स, बच्चे ने रेड की तरफ पॉइंट आउट किया, तो ये क्या है, बच्चे का रिस्पॉन्स हो गया, ये करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। उसके बाद आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये है कि उसके परिणाम क्या निकलेंगे। अगर मान लीजिए बच्चे ने करेक्ट जो पूछा है वो करेक्ट बताया है, तो टीचर उसको शाबाशी देगी और नेक्स्ट स्टेप पे कर ले जाएगी, और अगर गलत बताया है तो फिर टीचर क्या कहेगी, लेट्स ट्राई अनदर अटेम्प्ट, मतलब एक दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है। इंटर ट्रायल इंटरवल, इसका मतलब क्या है, मैंने पहले आपको दो बताए थे, इंटर ट्रायल 1 और 2, जो डिस्क्रीट ट्रायल है वो 1 और 2, पहले में रेड को और दूसरे में ब्लू को जो किया था हमने एग्जाम्पल में, तो वो उन दोनों के बीच में एक शॉर्ट पॉज होगा, ये नहीं है कि पहले ब्लू की तरफ किया, बच्चे ने बता दिया, वापस रेड की तरफ कर दिया, उसके अंदर एक शॉर्ट पॉज होगा, वो होता है इंटर ट्रायल इंटरवल। तो ये कुछ मतलब स्टेप्स थे डिस्क्रीट ट्रायल टीचिंग के, ठीक है। तो ये आपको ज्यादा मतलब वो भी नहीं है, ये आपका पूरा जो टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा हार्ड है ये है नहीं, अपना ये जो पूरा टॉपिक है ये यहाँ पे खत्म होता है।
बाकी मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आई हो, कोर्स अच्छा लगता है दोस्तों आपको, तो शेयर जरूर कीजिए।